मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी पसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो चंचल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। करीना में अब तक। लेकिन भैया जी हमरी एक बात मान लीजिए, आप ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें, अपनी औकात में रहें आप। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम्हें एक दोस्त की कसम, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। आप इस चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो बाबा? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कुकी सिंह पर बेवजह शक कर रहे हैं। मुझे एक मौका और दो, रब की शाम में खुद पुलिस को बुलाकर लाऊंगा। प्लीज अरे जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर लोलो यहाँ की एमडी बनी है वो मेरे दिमाग की उपज है। बाय द वे उस नकली पावर ऑफ अटॉर्नी को हकीकत में मैंने बदला। ये माँ और बेटी की जोड़ी, मेरा मतलब लोलो और लवली को गिरफ्तार कर लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? ओ जी जो हर हिंदी फिल्म की आखिर में होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत यानी कि विलन की पिटाई। हाँ कुकी सिंह देखिए ये वक्त चुटकुले सुनाने का नहीं है, ये लोग हमारे मजाक को सीरियसली ले रहे हैं। आप इन्हें समझाइए ना कि बस बहुत हो गया तुम्हारा ये खेल, अब तुम अपने ही बनाए हुए खेल में फंस चुके हो। ये आप कह रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? मैं और तुमसे प्यार? आप मुझसे प्यार नहीं करते। हम जो कुछ भी कर रहे थे वो नीलू जी और त्रिभुवन जी को तुम्हारी असलियत बताने के लिए। इतना बड़ा धोखा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब छोड़ने और पकड़ने का काम पुलिस का है। मेरी बात तो सुनिए ना, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मामा ने किया है। शब्द बोला ना तेरी ज़बान खींच के निकाल दूंगी मैं। एक मिनट में तुम दोनों माँ बेटी अगर मेरी नजरों से दूर नहीं हुए तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे इन दोनों को यहाँ से ले जाइए प्लीज। और इंस्पेक्टर साहब गलती से इन अम्मा बिटिया का एक इलाका पिना बंद कर दीजिएगा, मुन्ना कच्चा चबा जाएंगे एक दूसरे। दोनों मक्कारों के बहकावे में आकर हमने आपको शादीशुदा मान लिया। करीना ने हमने कितना समझाने की कोशिश की थी कि ये दोनों माँ बेटी धोखेबाज है, मगर हमने उसकी एक न सुनी। करीना को समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये करीना कौन है? बताइए करीना कौन है? उस दिन जब मैं नींद से जगा था तो मैंने करीना का नाम लिया था। आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोगों ने कभी मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? कुकी सिंह जी आप जानते हैं करीना के बारे में, प्लीज मुझे बताइए। चलिए आपको दवाई लेनी है, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। आइए। पीके जी प्लीज मुझे बताइए करीना कौन है? क्या कर रहे हैं आप?
आप खुद ही काहे नहीं बता देती कि आप करीना है? नहीं बता सकती। काहे नहीं बता सकती मैं? हमारी कसम है, आप बता दे ना, लुका छिपी का खेल अब ना खेला। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत दिनों के बाद चमत्कार में खुशियां लौटी हैं। लोलो और लवली के पकड़े जाने की खुशी में मैं अपना सच बताकर रंग में भंग नहीं डालना चाहती पिकी जी। तो कब बताएंगी आप? सही समय आने पर। वो समय कब आएगा? बहुत जल्दी, फिलहाल तो मेरे घर जाने का वक्त हो रहा है, मैं चलती हूँ। हाय। हाय, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? पता है हम लोग कितना परेशान थे यहाँ पर? सॉरी मॉम, आज मैं फिर लेट हो गई। मॉम, आके गले लग, वो तुझे पता भी नहीं है कि इस पल के इंतजार में तेरी माँ ने एक एक पल कैसे काटा। और मैंने भी। ये तो सिर्फ तुझे परेशान कर रही है, हमको सब पता लग गया है। लोलो और लवली के अरेस्ट होने से तेरे कुकी सिंह बनने तक की सारी बातें पता है। लेकिन वही तो बताने मैं आई थी। कुकी सिंह जी के बारे में पीके सिंह जी ने, पीके जी ने हमें सब बता दिया। बेटा, तुमने हमारा मान रख लिया। बस बाबा जी, किसी तरह तुषार को पूरी तरह ठीक करके चमत्कार को भी खुशियों से भर दो। तुषार, आखिर ये पहेली है क्या? कौन है ये करीना? क्यों नहीं मेरे सामने आती है? क्यों उसका नाम एक अलग एहसास दिलाता है बार बार, हर बार? आखिर उसका मुझसे रिश्ता क्या है? कब मिलेगा मुझे मेरे सवालों का जवाब? कब सुलझेगी ये पहेली? भगवान का शुक्र है तुषार ठीक हो गया। और साथ साथ उन दोनों मक्कार धोखेबाज औरतों की सच्चाई भी सामने आ गई, वरना न जाने कहां अनर्थ हो जाता। इसीलिए तो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बस अब तुषार की याददाश्त वापस आ जाए। क्या बात है? कुछ नहीं, हम सोच रहे हैं कि जिस करीना ने हमारे साथ इतनी भलाई करने की कोशिश की, लवली और लोलो के बारे में हमको चेताया, हमने उस करीना को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को बेइज्जत किया। ये क्या कह रहे हैं आप? करीना ने इतने सारे झूठ बोले हमसे, उसका क्या? क्या एक सच बाकी के झूठों पे पर्दा डालेगा? कुछ भी बोलते हैं। तुषार, करीना कौन है? चलो बेटे, तुम्हारी दवाई लेने का टाइम हो गया, चलो। दवाई को छोड़िए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे करीना कौन है तो कौन बताएगा? हम बताएंगे। हाँ बबुआ, हम बताएंगे।
इसे देखो, पहचानते हो? हाँ बबुआ, ये वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। ये वैलेंटाइन डे मतलब प्यार करने वालों का दिन। ये गिफ्ट वैलेंटाइन डे पर तुमको मिला था बबुआ, क्योंकि तुम किसी से प्यार करते थे। मैं किसी से प्यार करता था? किससे? होश में आते ही जिसका नाम तुमने लिया था, करीना। मैं करीना से प्यार करता था? तो फिर अभी वो कहाँ है? क्या करती है? क्या करती थी? वो हमारे चमत्कार में एम्प्लॉय थी। चमत्कार की एम्प्लॉय? लेकिन तुम जिससे प्यार करते थे वो आरजे करीना थी, रेडियो करी की आरजे करीना। आरजे करीना, तो चमत्कार की एम्प्लॉय और एक रेडियो जॉकी। वो दोनों जगह काम करती थी। रेडियो करी में वो आरजे करीना थी और चमत्कार में मिसेस सूद। जब तुमको पता चला कि आरजे करीना और मिसेस सूद एक ही हैं, तो आपका दिल टूट गया बबू। फिर मिसेस सूद ने आपको पाने के लिए एक नया ड्रामा किया। अपने नकली पति प्रेम सूद से तलाक, डिवोर्स। डाइवोर्स का ड्रामा? हाँ बबुआ। ये बबुआ, फिर करीना से तुम्हारी सहानुभूति बढ़ती गई। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। आप दोनों का प्रेम बढ़ने लगा और आप दोनों को साथ साथ देखकर, खुश देखकर हमने और नीलू जी ने करीना को इस घर की बहू बनाने का फैसला किया। फिर इस घर में लोलो और लवली ने धावा बोल दिया और बबुआ उसके बाद जो सिर्फ हमें दुख ही दुख मिले। याद करो बेटे, I love you too. Karina. मुझे सब कुछ याद आ गया। बूजी, मॉम, करीना वही ना जो मंगलसूत्र पहनती थी और आप उसको व्रत रखने को कहती थी और आपको वो चोरी चोरी जलेबियां खिलाती थी। क्या बोलते? इन्हें पहचानते हो? पीके जी। आपका सब याद आ गया ना? सब कुछ, मुझे सब कुछ याद आ गया। अच्छा बताओ, आपका करीना याद है कि नहीं? कौन करीना? मुझे करीना याद नहीं है, मुझे तो कुकी सिंह याद है। ये कुकी सिंह बीच में कहां से आ गया? ये कुकी सिंह और करीना एक ही इंसान है। जो हमारे सारे बुरे वक्त में हमारे साथ थी। क्या बोलता? हाँ भाभी जी, सही बोलते। हाँ?
करीना ने इतना बड़ा खतरा उठाकर ना सिर्फ चमत्कार को लोर और रवि से बचाया बल्कि मुझे भी बहुत सारा दिया, और हमने उसे बदले में सिर्फ बेइज्जत किया। पुत्र, तुझसे एक बात कहनी है। क्या? पुत्र, मुझे पता है कि तू मुंबई छोड़कर नहीं जाना चाहती और चंडीगढ़ में तेरा मन नहीं लगने वाला, तो अगर तू चाहे तो। नहीं मॉम, अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, और वैसे भी यहाँ रखा क्या है अब? मतलब नौकरी तो मैंने छोड़ ही दी है, अब नई नौकरी ढूंढने से अच्छा है कि चंडीगढ़ में ही नौकरी ढूंढ लूँ। सोच ले पुत्र। सोच लिया मॉम, अब तो मैं मुंबई रिटर्न हो गई हूँ, चंडीगढ़ में तो नौकरी चुटकी बजाते मिल जाएगी। लेकिन पुत्र। मॉम, अगर हम ऐसी बातें करते रहेंगे तो इतना सारा सामान कौन समेटेगा? कम ऑन, लेट्स पैक, हरी आप। मिस करीना सूद, मैं जानता हूं कि तुमने अपना प्यार पाने के लिए बहुत सी मुश्किलें सही, मगर वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। मगर करीना, अब इम्तिहान की घड़ी मेरी है, और तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, बस एक बार मुड़कर देखना और कहना आई लव यू। मॉम, अभी तो ट्रेन निकलने में टाइम है, मैं अभी आती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? मॉम, वो परी को मिलने जा रही हूँ, अगर उसको नहीं मिल के गई ना तो वो तो मेरे पीछे पीछे चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। ठीक है, जल्दी आ। ओके। ओहो, एक करू पता नहीं कहाँ चली गई, आई क्यों नहीं अभी तक? इतनी जल्दी कैसे आएगी बाबूजी, अभी तो गई है। लेकिन तूने उसको जाने ही क्यों दिया? तेरे को पता है ना अब मेरी उम्र नहीं रही इस बुढ़ापे में गाड़ी के पीछे पीछे भागने की। क्यों परेशान हो रहे, आ जाएगी। परेशान क्यों ना हो, ये जिया उसको भी आज ही जाना था अपने दोस्तों को हाई और बाय कहने के लिए। ये करू है ना, इसको तो चैन ही नहीं पड़ता वो परी से मिले बगैर, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं पड़ी हुई है। नमस्ते दादू, मैं अंदर आ सकता हूँ? बेटा, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी, मगर अब मुझे सब कुछ याद आ गया, अब इसीलिए तो मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। करीना कहाँ है? करीना कार पर नहीं है, और तुम उससे मिलने क्यों आए हो? जी बस मिलना था, वैसे मुझे आप लोगों से भी माफी मांगनी थी। माफी? गलतफहमी के चलते मामा और बुजी ने करीना को तो बहुत कुछ कहा ही, मगर आप लोगों की भी बहुत बेइज्जती की, मैं उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांग। देखो पुत्र, जो होना था वो तो हो गया, अब तो बस सब खुश रहे यही रब से दुआ है। तुम लोग यहाँ मुंबई में और हम अपने चंडीगढ़ में। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, इस शहर ने हमें बहुत दुख दिए, हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। हम लोग मतलब करीना भी? क्यों, करीना क्यों यहाँ रहेगी? कब जा रहे हैं आप लोग? आज ही जा रहे हैं। आज ही? देखिए, मुझे करीना से बात करनी है, कहाँ है वो? माफी चाहूंगा पुत्र, आज तुम ऐसे दिन हमारे घर पे आए हो जब हम तुम्हें एक कप चाय भी नहीं पिला सकते। जी मुझे चाय वाय नहीं पीनी है, मुझे सिर्फ करीना से बात करनी है, प्लीज बताइए कहाँ मिलेगी वो? तो किसी से मिलने गई है, अभी थोड़ी देर में आएगी। तो ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूँ। उसके लिए भी माफी चाहता हूँ पुत्र, दरअसल बात यह है कि हम लोग अपने मकान मालिक से फाइनल हिसाब किताब करने जा रहे हैं। परी, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। परी रोएगा, परी बहुत रोएगा। ठीक है, तो फिर मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। नहीं प्लीज करीना, तुम
में परी को मिलने आना ही पड़ेगा। पहले रोना बंद करो। तो ठीक है, फिर प्रॉमिस करो कि परी कभी नहीं रोएगी। लेकिन तुम भी प्रॉमिस करो, तुम परी को फोन करोगी? एक शर्त पर। क्या? परी अब किसी को सताएगा नहीं, पापा की बात मानेगा और जो मारिया कहेगी वो ही करेगा। पर ये मारिया को बोलो, वो हर बार परी की बात ही नहीं मानती। मानूंगी, लेकिन पहले इससे भी कहो कि ये मेरे साथ मस्ती ना करे। परी थोड़ी तो मस्ती करेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मस्ती चलेगी। सोच लो, अगर तुमने परी की बात पापा को बताई ना, तो परी करीना के पास चंडीगढ़ भाग जाएगा। पर पापा जाने कहाँ देंगे? तुम फिकर मत करो, तुम्हारे पापा की तो मैं पीछे मेरी क्या बुराई कर रही थी? नहीं पापा, करीना तो आपकी तारीफ कर रही थी। कितने बार कहा है परी कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे नहीं बोलते। मिसेस मारिया, परी को अंदर ले जाओ। वकील साहब का फोन। हाँ वकील साहब। नहीं वकील साहब, मैं और डिले बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि कंपनी टेक ओवर की फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा, मीडिया में हलचल शुरू हो गई है और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दिखाना चाहता हूं कि चमत्कार को मैंने कितनी आसानी से खरीद लिया। अब और डिले किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। Is that understood? Okay. Bye. Yes? वो लवली और लोलो ने चमत्कार आपको बेचा है? हाँ, मैंने चमत्कार खरीदा। Oh my God. ये क्या हो गया? मतलब? प्लीज आप ऐसा ना करें। क्यों? देखिए, आपकी इस कदम से बहुत लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई सोशल वर्कर नहीं। चमत्कार अब मेरा है और दुनिया की कोई भी ताकत चमत्कार को मुझसे छीन नहीं सकती।